व्हीलर सोलार कार उद्भावन करिसेंति भिकारी चरण साहू। से पेशारे जणे फर्स्ट तो से टेलरिंग करूथिले, तापरे से एबे आयुर्वेदिक औषधर व्यवसाय करूछंति। किंतु तांकर निशा नुआ नुआ जिनसो को उद्भावन करिबा, जो जिनसो गुडी को खराब हो, जेंति कि टेलरिंग टाइम रे तांकर गोटे पैंट कटिंग टा खराब हो जाउतला, से नुआ नुआ सिलई करी बा नुआ स्टिच करी सेटा को नुआ डिजाइन भाबरे पुणी राउरकेला को बा टोटल ओडिसा रे से परिचित लाभ करिसेंति। आमे सीधा सळग तांको सहित आलोचना करिबा केमिति कोन सोलार कार विषय रे कि से कोन केते दिन तांको समय लागिला एवं कोन कोन इथरे व्यवहृत होईचे। पेट्रोल दर निहाती बापरे दिनो को दिन बढ़िबारे लागिचे एवं पेट्रोल को देखि से ए भावना तांको मन रे काहिं के आसला। आपनको अर्कस न्यूज को स्वागत करूची। मो ना है भिकारी जन साहू, मु एलसीआर 501 छेंड कॉलोनी राउकलर रहे। हाँ, प्रत्येक दिन प्रत्येक पिलादिन मोर सेटा थिला, मोर जहाँ किछि करी जीवि बहुत सक्सेस भी होइछि। मु बहुत बिजनेस बहुत प्रकार करी करी मैं आगे ठीक है। आपण आमे माने सुनिथिलु कि आपण गोटे टेलरिंग करथिले जोटा कि गोटे पैंट कटिंग भूल हो जाइतला एवं ताकु आपण नुआ डिजाइन भाबरे ये करथिले जोटा कि अलगा टेलरिंग वाला कटिंग करी के से बनेले। फेर भी सेई भोला माने जोटा भूल जिनसटा को बाय मिस्टेक मोर कटि गला, जदियो सेटा गोटे डिजाइन कली किंतु समस्त सेटा काटि कि फोन नुआ डिजाइन एते चॉइस कले पूरा ऑल माने ओडिसा कोन बहुत बाहर को पळे गला से मारे से डिजाइन टा इते हाई हो गला। आज आपण ही सोलार माने कार उद्भावन करछन तीन चक्किया, तो केते दिन समय लागिला एवं कोन कोन यादरे व्यवहृत होई छि ठीक कहबे? एटा वर्तमान सुधा मते 2 मास लागी छि, आहुरु 2 मास निश्चित लागिबो। काई ना आज सब जिनस कलेक्शन मते करे वर्तमान को बाहर करिया पडियो। एबे सुधा एती बाटा जाई छि, ये भी जी कराई ये पुणी कटिंगी पुणी मैं डिजाइन बना हे जिन ए गोटे कार हैंडल लगुच टोटोर सकर टोटोर चका आग चका पछरे रिक्सा चका आमर जो ये सोलार जो ये गाड़ी आस तार गोटे मीटर लगी आउ विभिन्न जो लाइट सोलार लाइट सब लगी जोटा हेडलैट फेडलैट जो गुड़ा अलग अलग गाड़ीपाई आसे ताको यूज कराई हॉर्न भी अलग यूज कराई सांगे एंगल फेंगल जिते सब मार्केट में मिले सब किणा है सब जोन कर यू बर्तमान पर 6 घंटा 7 घंटा चार्ज लगुच फुल चार्ज हाँपाई कितु यूपर जो सोलार लगे चार्ज करवा दरकार ही पड़ोन से सोलार द्वारा ही जिते अधिया खराब से दिन सारा चलो कितु राति मैक्सीम 60-70-80 किलोमीटर भितर से रही आ चलो नहीं रात जो चला 60-70-80 रही दिन भारी चलाउे किसी कथा ना चलती गाड़ी कि से 4 बैटेरी लगे 165 रोचे 165 एम्पायर प्लस 12 वोल्टर चारिटा जो 48 वोल्ट कराई मैंने सीरीज्रे मत 2 मास तो ये कंटिन्यू लगे भितर मतलब 2 मास लगला बजेट बर्तमान सुधा सब सब ट्रांसपोर्टिंग फ्रांसपोर्टिंग सब नहीं एबे एस्टिमेट कर 10-15 भितर आसी 20 आसी जाइए प्राय कम्प्लीट हाँ जहाँ मुझे एस्टिमेट कर मनुर सर जो 2.5 लक्ष-3 लक्ष भितर आस 2.5 लक्ष रु कम कि 3 लक्ष भितर आस हाँ पेट्रोल रेट एत बढ़ला तापर ये पल्यूषण सकाश विभिन्न पुलिस चेकिंग फेकिंग अगड़गड़ सब हो तेणुक ये कहली गोटे गाड़ी बाहर कर जोटा कि कौन लाइसेंस किसी दरकार ना ये सब दरकार ना तेणुक से गोटे गोटे तो आम तो अधिका स्पीड जापर कि आम अधिका स्पीड बनइबुन यहीटा तो बर्तमान पर 60 स्पीड जीवाला भाया गाड़ीटा कराई किंतु आम 40-45-50 भितर चलुची गाड़ी किंतु ताको आम लिमिट 35 गवर्नमेंट जो रूल अच्छे 35-40 से रखू गोटे आहरी 4 व्हील कार बनवा चक रही तो देखिए कौन आगे यहाँ सक्सेस हो जाओ 2 मास देखा तापर ये कराब नि भाव में आपुले कि किपर भाव में
ତାଙ୍କର ଏହି ଥ୍ରୀ ହ୍ୱିଲର କାର୍ ମାନେ ସୋଲାର କାର୍ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ କିଛି ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା କି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ ବିଷୟରେ ମାନେ ସୋଲାର କାର୍ ରାଉରକେଲାରେ ନୂଆ ଜଣେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛେଣ୍ଡ ବାସିନ୍ଦା ସେ ଜଣେ ସେ ଆମ ରୋଡ଼ରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲୁ ତ ଆମେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ କି ଏମିତି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ତାପରେ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ତେଲ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଆଉ ଡିଜେଲର ରେଟ୍ ଯେତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ତା ଦେହରେ ଇଏ ନିଜେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗୋଟିଏ ଥ୍ରୀ ହ୍ୱିଲର କାର୍ ଭଳିଆ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବହୁତ ଶସ୍ତା ରେଟ୍ରେ ବି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନି ତାଙ୍କୁ ହୋପ୍ ବୋଲି ଅଛି ଯେ ସେ ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି କରିଦେବେ ତାଙ୍କ ଏଇ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଉଛୁ ଯେ କି ଆଗକୁ ଯୁବ ସମାଜ ପିଢ଼ି ଆମର ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲକୁ ଯେତେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର ଆସୁ ଆଉ ତା'ର ରେଟ୍କୁ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ଟେ ହୋଇଛି ବା ସୋଲାର କାର୍ଡ଼ଟେ ହୋଇଛି ଏଇଟାକୁ ଜନସାଧାରଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ କି ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା କଥା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେ ପଲ୍ୟୁସନକୁ ଏବେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରୁଛୁ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବପିଢ଼ି ନଜର ରଖିବା ଦରକାର ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ର ଇଏକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାନି ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନତା ବନ୍ୟା ରହିବ ସେଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖି ଆଗକୁ କାମ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ଏଠି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କି କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ 60 ବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି ମାନେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କରିବ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ କି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣନ୍ତୁ ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍